हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्मार्टफोन्स की जो कि अंडर 20,000 के हैं। दोस्तों, अगर आप एक अच्छे फोन की तलाश में हैं और आपका बजट 18,000 से 20,000 रुपए का है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। दोस्तों, ये फोन की लिस्ट गेमिंग और ऑलराउंडर फोन्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। दोस्तों, अगर आप एक अच्छे गेमर हो, गेमिंग करना चाहते हो या एक अच्छे बेहतरीन फोन की तलाश है तो भी ये वीडियो बिल्कुल के लिए ही। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, नंबर 5 पे जो आज हमारे मोबाइल है उसका नाम है IQ Z3। 5G फोन है ये, एक अच्छा फोन माना जा रहा है। 5G फोन की तलाश में है आप तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आइए बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। तो अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 6.58 इंच का फुल HD आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 120 हाई रिफ्रेश रेट के साथ में देखने को मिल जाता है। इसमें 180 का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है। ड्यूअल स्लॉट है इसके अंदर, आप एक सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड या दो सिम कार्ड एक साथ यूज कर सकते हैं। कैमरे की बात करें तो इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा। ट्रिपल कैमरा स्लॉट बैक साइड में देखने को मिलता है विद LED फ्लैश। फ्रंट कैमरा इसका जो है वो 16 मेगापिक्सल का है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इसमें। प्रोसेसर आपका बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 768G पावरफुल प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो इससे बेहतर प्रोसेसर इस रेंज में नहीं। बात करें रैम की तो इसमें आपको 6GB 128GB की स्टोरेज के साथ में ये आपको जो मिल जाता है 19,990 रुपए का, और 8GB 256GB इंटरनल मेमोरी के साथ में जो उपलब्ध है वो 22,990 रुपए का है। अगर आपका रेंज 22,000 तक जाता है और आप एक 5G बेहतरीन फोन की तलाश में हैं तो यह ऑप्शन आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। यह एक गेमिंग स्मार्टफोन है, अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले फोन की। अगला जो हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे है वह है पोको X3 प्रो। पोको X3 प्रो नाम से ही जाना जाता है, ये बहुत एक बेहतरीन फोन है। इस लुक वाइज काफी अट्रैक्ट करता है ये लोगों को। आइए हम बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। तो इसमें आपको डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में है। इसका ब्राइटनेस काफी बेहतरीन है। अगर आप इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो आप देखेंगे पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल स्मूथ आती है। इसमें कोरोनिन गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की तो स्नैपड्रैगन 860G का प्रोसेसर, पावरफुल प्रोसेसर है ये, 800 सीरीज का है ये, तो काफी एडवांस प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का, तो ये काफी अच्छा माना जाएगा इसके अंदर गेमिंग के अंदर। अगर आप गेमिंग के शौकीन है तो बहुत ही स्मूथ फुल गेमिंग, अगर आप इसकी फुल स्पीड में चलाते हैं इसको तो काफी अच्छे आपको ग्राफिक्स और गेमिंग का भी जो अनुभव है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे की। तो कैमरा है इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 30 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, काफी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं सेल्फी में आपको इसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इसमें अंदर। हम बात करें अगर बैटरी की तो 5160 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है जो कि 33 वाट के सुपर चार्जर के साथ में सपोर्ट करती है। इसमें रैम की बात करें तो 6GB 128GB जिसकी कीमत 18,999 रुपए, 8GB 256GB, 8GB रैम और 256GB इंटरनल मेमोरी के साथ में ये आपको 20,999 रुपए। इन दोनों फोन में एक्सपेंडेबल मेमोरी जो सपोर्ट करती है 1 टेराबाइट तक की एक्सपेंडेबल मेमोरी इसमें सपोर्ट करती है। बात कर ले इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की तो गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा है स्मूथ, बहुत ही ज्यादा फुल डायमेंशन में आपको चलाते हैं अगर गेमिंग को देखे की स्पीड क्या स्मूथनेस आपको देखने को मिलती है गेमिंग में। अब बात कर लेते हैं अगले नंबर की। अगला फोन जो है हमारा नंबर 3 पे वो है Realme 8 Pro। डिजाइन काफी जबरदस्त है इसका, डिस्प्ले भी काफी अच्छा है, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है साइड में ही आपको, इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ में 60
हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ में आपको ये देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 720G का पावरफुल प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें कोई हीटिंग इफेक्ट देखने को नजर नहीं आता है। अगर आप फोन को बहुत देर तक यूज करते हैं तो फोन जल्दी आपका ये गर्म नहीं पड़ता है, ये एक अच्छी बात है। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कैमरे की बात करें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल के माइक्रो और पोर्ट्रेट कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाता है। क्वाड कैमरा सपोर्ट विद LED फ्लैश। इसमें आपको 20x जूम तक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 20x डिजिटल जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेल्फी कैमरा है, काफी ऑप्शंस के साथ में उपलब्ध है। यह आपको बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी विद 4 वाट के सुपर डॉट चार्जर के साथ में इनबिल्ट मिलता है आपको। आपको ये 50 वाट का सुपर डॉट चार्जर आपको इनबॉक्स में मिलता है। बात करें रैम की तो 6GB 128GB की जो कीमत है वो 18,000 रुपए रखी गई है, लगभग 17,999, और 8GB 128GB की कीमत 19,990 रुपए रखी गई है। आपका बजट अगर 20,000 के आसपास है तो यह एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं हम अगले ऑप्शन की। अगला जो मोबाइल है हमारे में मोटो एज 20 फ्यूजन। जी हाँ, एक बेहतरीन मोटोरोला ने यह मोबाइल चूज किया है आपको 20-22 की कीमत में। अगर आपका रेंज 20,000 के आसपास है तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। बात करें इसके डिस्प्ले की तो 6.67 का फुल HD AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को इसमें मिल जाता है, 90Hz की फ्रीक्वेंसी रेट के साथ में। इसमें हाइब्रिड कार्ड स्लॉट मिल जाता है जिसमें आप एक सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड या दो सिम कार्ड यूज कर सकते हैं। कैमरे की बात करें तो 108 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी विद 30 वाट के चार्जर के साथ में आपको ये देखने को मिल जाता है। रैम की बात करें 6GB और 128GB का वेरियंट जो है वो 21,499 रुपीज में अमेजोन पे उपलब्ध है, और 8GB 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ 22,499 में उपलब्ध है। अब हम बात कर लेते हैं अगले फोन की जो नंबर 1 पोजीशन में है, उसका नाम है वो है आपका Redmi Note 10 Pro Max। जी हाँ, बहुत ही शानदार। इसे हमने एक नंबर पे रखने की कुछ खास बातें हैं इसमें। इसकी स्मूथनेस, लुक, इसका जो टच सेंसर है ये काफी कमाल का है। अगर इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस जो बिल्कुल ही ऐसी आती है कि आप लोग लैपटॉप पे खेल स्मूथ चल रहा है इसके। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो ऑपरेटिंग इसमें एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है आपको। प्रोसेसर इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट देखने को मिल जाता है। कोरिलिंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है स्क्रीन में आपको। अब बात करें कैमरे की तो कैमरा 108 का प्राइमरी कैमरा है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो 5020 5020 mAh की बैटरी 33 वाट के पावरफुल चार्जर के साथ में आपको देखने को मिल जाता है। बात करें रैम की तो 6GB 28GB का जो वेरियंट है 19,999 रुपए, और 8GB 128GB का जो वेरियंट है वो 21,999 रुपए इसमें ये उपलब्ध है। दोस्त, ये टॉप 5 फोन थे जो कि 20,000 के रेंज में अभी तक के बेस्ट स्मार्टफोन्स माने जाते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी फोन चूज कर सकते हैं अपने बजट के अनुसार, अपनी सुविधाओं के अनुसार। आपको कैसा फोन चाहिए, गेमिंग फोन चाहिए, एक ये मल्टीपर्पज ऑलराउंडर फोन चाहिए, ये सारे फोन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो इन्हीं सारे फीचर्स में उपलब्ध हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।